लास्ट वीडियो में हमने देखा था ब्यूल एंड मैनेज कंटेंट फॉर डिफरेंट कंटेक्स्ट पार्ट टू। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉक क्रिएशन। जैसे कि अब तक मैंने आपको समझाया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कंटेंट के बारे में स्टडी किया कि एक कंटेंट पर्टिकुलर ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अगर वो सोशल मीडिया की बात करें, ईमेल की बात करें, या फिर हम चाहे कोई भी सोशल मीडिया कैंपेन की बात करें, या फिर हम कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन की बात करें, तो हर एक चीज़ के लिए कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो उसी कंटेंट को लेके अगर आपको वेबसाइट के जरिए अपने आप को रिप्रेजेंट करना है तो भी कर सकते हो, और आप अपने खुद के ब्लॉग्स बना सकते हो। अगर आप अपने इफेक्टिव विथ अ गुड कंटेंट और जो भी कॉपी राइटिंग कंटेंट की मैंने बात की उस तरीके से अगर आप अपने ब्लॉग्स बना रहे हो तो आप दूसरों को अट्रैक्ट भी कर सकते हो और अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बता सकते हो। इफेक्टिव ब्लॉग्स के बारे में ऑलरेडी मैंने पास में वीडियो के द्वारा मैंने आपको समझाया था कि कुछ ऐसे ब्रांड्स और कंपनीज होती है जो डायरेक्टली कस्टमर को कोई भी चीज़ कहने के लिए नहीं जाती, कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज पिच करेगी तो माइट बी वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मुझे किसी पर्सन को ऑनलाइन कोई एक्टिविटी करानी है तो मैं सीधा वो प्रोडक्ट लेके उसके बीच में जाऊंगा तो माइट बी वो इंटरेस्टेड ना भी हो, बट अगर मैं पहले उसके बेनिफिट बताऊंगा, पहले उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपके रूटीन लाइफ के अंदर ये जो चीज़ आप करोगे वो हेल्पफुल हो सकती है। जैसे कि अगर मुझे जिम इक्विपमेंट किसी को सेल करना तो मैं डायरेक्टली अगर उसको सेल करने के लिए जाऊंगा तो नहीं पता चलेगा, बट वेट लिफ्टिंग की इंपॉर्टेंट क्या है, वेट लिफ्ट करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, मुझे उसको सेल करना है तो ट्रेडमिल के द्वारा क्या हेल्प आउट आपको हो सकता है, वो बेनिफिट्स अगर मैं ब्लॉग के जरिए उसको दिखाऊं, फिर अगर ये बेनिफिट्स के बाद मैं उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पेज करो, वहाँ से क्लिक करके मैं उसको मेरी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करवाना चाहूँ, तो वो एक ब्लॉग आपके लिए वंडर चीज़ कर सकता है कि वो आपके लिए ट्रैफिक जनरेट करने का भी काम कर सकता है और पहले क्लाइंट को एक तरीके से डाइवर्ट करेगा आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रति और फिर वो आपकी वेबसाइट तक लाएगा, तो जहाँ से सेल्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग हम दो तरीके से बना सकते हैं, बेसिकली तो बहुत सारे तरीके हैं, बट ब्लॉग मेन जो फेमस दो साइट है और जो आज मैं बोलूँगा कि बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ब्लॉग बनाने की फैसिलिटी दे रही है वो एक ब्लॉगर है और दूसरे एक वेबसाइट है वर्डप्रेस। तो मैं दोनों का आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दूंगा और एक मैं आपको ब्लॉग बना के भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ब्लॉग बनता है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीधा जाते हैं ऑनलाइन और किस तरीके से ब्लॉग बना सकते हैं वो देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको ब्राउज़र पे ले जाता हूँ। हम फर्स्ट अभी गूगल के पेज पे है, यहाँ से आपको सबसे पहले ब्लॉगर लिखना है। जैसे आपको फर्स्ट लिंक मिली ब्लॉगर की, जैसे आप ब्लॉगर पे जाओगे ये ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों के अंदर आप इफेक्टिव ब्लॉग्स बना सकते हो और वो भी फ्री में। ब्लॉग्स क्या चीज़ होती है? ब्लॉग्स एक एक तरीके से वेबसाइट जैसा ही काम करती है। जैसे वेबसाइट पे आप पेजेस बना सकते हो, वेबसाइट पे कंटेंट को डिस्प्ले कर सकते हो, बट वेबसाइट के जितना डायनेमिक काम ये नहीं कर सकता है। आपको किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्मेट में कंटेंट वाइज किसी को डिस्प्ले करना हो तो आप ब्लॉग के थ्रू कर सकते हो। तो अगर आपको जैसे कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ डिस्प्ले करनी है, आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में शॉर्ट फॉर्मेट में बताना, तो ब्लॉग एक बहुत ही कन्वीनियंट तरीका है। आप कुछ जैसे कि हाउ टू मेक पर्टिकुलर रेसिपी, तो जो आपको पेजेस मिलेंगे उसमें से ज़्यादातर जो पेजेस आपको दिखते हैं वो ब्लॉग के जरिए मिलते हैं, और ब्लॉगर के जरिए बहुत सारे लोग इनकम भी जनरेट करते हैं, अलग अलग ब्लॉग बनाते हैं, जितने ब्लॉग्स को लाइक किया जाता है, जितने ब्लॉग्स को व्यू मिलते हैं उस मुताबिक फिर वो इनकम भी कमा सकते हैं। तो ब्लॉग्स एक बिजनेस परस्पेक्टिव से प्लस आज डिजिटल मार्केटिंग परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा, और इस पर भी कंटेंट की उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि मैंने प्रीवियस वीडियो के जरिए आपको बताया कि अदर सोशल मीडिया पे या फिर गूगल पे है या फिर ईमेल कंटेंट के अंदर इंपॉर्टेंस है। तो हर तरीके से जो इम्पोर्टेंट हर वो डिजिटल मार्केटिंग के तरीके में कंटेंट की इंपॉर्टेंस होती है, उसी तरीके से ब्लॉगर में भी कंटेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं ब्लॉगर मुझे लिंक मिल रही है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ब्लॉग है वो गूगल, ब्लॉगर है वो गूगल की ही प्रोडक्ट है, और हम जानते हैं कि जितनी भी गूगल की प्रोडक्ट है वो सभी एक ही चीज़ से कनेक्टेड है, वो है जीमेल। तो जैसे ही आपको यहाँ से आप क्रिएट अपना ब्लॉग बना सकते हो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको लॉगिन के लिए पूछा जाएगा। मैं लर्न वन का एक ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर रहा हूँ। तो वेलकम टू होम पेज, जब आप ब्लॉगर में लॉगिन कर दोगे तो आप इस तरीके से एंटर हो जाओगे, और आपको इसमें लॉगिन करने के लिए जो आपका जीमेल का ईमेल आईडी और पासवर्ड है वही यूज़ करना है, और आपको ये फर्स्ट टाइम आपको ये प्रोफाइल मिलेगी बिकॉज
ये पर्टिकुलर आईडी पे प्रोफाइल सेट नहीं है, तो आप क्रिएट प्रोफाइल और क्रिएट अ लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल दो सिलेक्ट कर सकते हो। ये गूगल प्लस के थ्रू कनेक्टेड होगी और ये डायरेक्ट बनेगी। तो अभी मैं क्रिएट अ लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल, जिसमें डिस्प्ले नाम जो मुझे ब्लॉगर का रखना है वो मैं लर्न वन रखता हूँ, क्रिएट ब्लॉगर। अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर अकाउंट में मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके से एक फ्रेश अकाउंट के थ्रू हम ब्लॉग बना सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कोई ब्लॉग्स अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ वेलकम सेटिंग्स, रीडिंग लिस्ट और हेल्प जैसे बेसिक मेनू ही देख पाओगे। अब आप यहाँ पर जाके न्यू ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, एज वेल एज यहाँ से भी आप नया ब्लॉग बना सकते हो। ये फर्स्ट टाइम ब्लॉगर का अकाउंट सेटअप हुआ है, अभी कोई ब्लॉग नहीं बना है, हम ब्लॉगर के अंदर अभी लॉगिन है। ब्लॉगर का लॉगिन जीमेल के थ्रू ही होता है। अभी मैं क्रिएट ए न्यू ब्लॉग पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सबसे पहले वो मुझे टाइटल बोल रहा है, तो मुझे एक टाइटल देना है। मैं टाइटल दे रहा हूँ लर्न वन, फिर मैं एड्रेस दे रहा हूँ, एड्रेस में मैं शॉर्ट अहमदाबाद उसके बाद मुझे एड्रेस देना है, एड्रेस के अंदर वो एड्रेस देना है जिस एड्रेस को फॉलो करके लोग मेरे ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं, जिस एड्रेस को फॉलो करके लोग मेरे ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे वेबसाइट को डोमेन नेम देते हैं, तो उसी तरीके से हमें एक एड्रेस देना है। यहाँ पर मैं एड्रेस भी लर्न वन के रिलेटेड ही दे रहा हूँ, लर्न वन। अगर पर्टिकुलर एड्रेस जो आप यहाँ पर लिखोगे और वो अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर एक सजेशन दिया जाएगा कि कोई और ब्लॉग ले लो, क्योंकि ये ब्लॉग का नाम डिसाइड करो क्योंकि ये अवेलेबल है। मैं उसके पीछे 1 2 ऐड कर देता हूँ, आप देख सकते हो करेक्ट का सिंबल आ रहा है और ब्लॉग अवेलेबल है। यहाँ से मुझे फर्स्ट कोई भी टेम्पलेट एक चूज़ कर सकता हूँ, जो मेरी एक इनिशियल डिज़ाइन होगी ब्लॉग की, जिसको मैं लेटर चेंज भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं अभी पर्टिकुलर ये सिंपल डिज़ाइन के थ्रू जा रहा हूँ, जिसमें क्रिएट ब्लॉग पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मेरे ब्लॉग का नाम था learn112.blogspot.com। क्योंकि हम ब्लॉगर को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ब्लॉगर जो भी डोमेन बनेगा उसके अंदर जो एक मार्केटिंग प्रस्पेक्टिव से, मार्केटिंग पर्पज से जो नाम होगा वो ब्लॉगर का रहेगा। इसलिए जैसे ही आप यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से विजिट ब्लॉग पे क्लिक करोगे, वैसे ही वो यहाँ पर ब्लॉग ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो लर्न वन करके एक ब्लॉग बन चुका है। आप उसका URL देख लो कि learn112.blogspot.in, ये उसका URL। जैसे कि मैं डायरेक्टली भी अगर सर्च कर रहा हूँ कि लर्न 112.blogspot.in, तो आप देख सकते हो कि ब्लॉग ओपन हो रहा है। तो जैसे एक वेबसाइट के लिए डोमेन लेना पड़ता है, फिर उसको बनाना पड़ता है, उसको होस्ट करना पड़ता है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक फ्यू स्टेप्स के अंदर ही आपका कंटेंट बन चुका है और आप उसको पोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर नाम है, अभी मैंने इस पर्टिकुलर ब्लॉग में कोई भी पोस्ट ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगर आपको कोई नई पोस्ट ऐड करनी है, जैसे कि मेरे पास कोई नया नया आइडिया है जो मुझे लर्न वन के अंदर पोस्ट आउट पोस्ट करना है, तो मैं जो न्यू पोस्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं पोस्ट का नाम दे रहा हूँ फर्स्ट पोस्ट, समथिंग मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। यहाँ से मैं उस टेक्स्ट को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, वीडियो भी ऐड कर सकता हूँ, एंड बहुत सारी फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है। अगर आपको HTML ऐड करना है, तो आप HTML पार्ट के अंदर जा सकते हो और ये कंपोजर है जो ऑटोमेटिक आपके लिए चीज़ें बनाएगा। जैसे ही आप यहाँ से पब्लिश करोगे, तो ये पर्टिकुलर पोस्ट होगी जो आपके ब्लॉग पे पब्लिश हो जाएगी, ये पर्टिकुलर पोस्ट होगी जो आपके ब्लॉग पे पब्लिश हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके ब्लॉग पे आके रिफ्रेश करो, तो आपको दिख जाएगी जो फर्स्ट पोस्ट वहाँ से ऐड किए। अब जो भी बंदे ये पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर इंटरेस्टेड हो गए, इस पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करके आपके ब्लॉग पे आएंगे, वो यहाँ से अपना कमेंट भी दे सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं फेसबुक ट्विटर पे। अभी इस पे कोई कमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं इस पे कमेंट ऐड कर रहा हूँ एज अ यूज़र, फॉर एग्जांपल मैं इस पे कमेंट ऐड कर रहा हूँ एज अ यूज़र, आई लाइक दिस प्लीज शेयर मोर पोस्ट रिलेटेड दिस। तो तुरंत यहाँ पर आपको कमेंट एज अ लाइव जनरल वर्डप्रेस टाइपेड एम कैसे करनी है। मैं सिर्फ लर्न वन को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी पब्लिश।
तो आपने जो भी पर्टिकुलर ब्लॉक पे कमेंट की है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर लर्न वन के तौर पे यहाँ पर एक कमेंट आ गई, क्योंकि अभी मैं उस पर लॉग इन था। अगर आप अलग ईमेल आईडी से लॉग इन होगे तो भी वो चली जाएगी। और यहाँ पर आके जब इस पर ये पर्टिकुलर पेज को रिफ्रेश करोगे अकाउंट को, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये पर्टिकुलर पोस्ट पे एक कमेंट आ चुकी है। उसी तरीके से हम बहुत सारे ऐसे पोस्ट रिलेटेड ऑपरेशन है जो यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से अगर दूसरे मुझे पोस्ट करने तो मैं शेयर कर सकता हूँ फिर स्टेट्स कि ये पर्टिकुलर जो भी मैंने अभी ब्लॉग बनाया उसका एनालिटिक्स, स्मॉल एनालिटिक्स हम कह सकते हैं कि एक पेज व्यू हुआ है और एक कमेंट यहाँ पर आई हुई है। कब ये बना, पेज व्यू आज कितने हुए मंथ वाइज, और पूरी हिस्ट्री यहाँ पर आप देख सकते हो, और ऑडियंस की लोकेशन भी आप ट्रैक करते हो। तो स्मॉल पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए एक छोटा सा एनालिटिक्स यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद आप यहाँ से नंबर ऑफ पोस्ट भी देख सकते हो, ट्रैफिक सोर्स भी देख सकते हो, ऑडियंस को भी ट्रैक कर सकते हो, प्लस आप अपनी कमेंट्स को भी ट्रैक कर सकते हो, जो एक्चुअली में अभी एक कमेंट वहाँ पर आई हुई है जो हमने यूजर साइड से ऐड की थी। उसके बाद कोई स्पाम हो तो भी देख सकते हो, अर्निंग्स को भी ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि अभी एक्चुअली में नया पोस्ट है, इसमें कोई अर्निंग नहीं है, बट आप गूगल एड्स एडसेंस के थ्रू इसमें अर्न भी कर सकते हो। आप कैंपेन्स को भी ट्रैक आउट कर सकते हो कि ग्रो योर ऑडियंस, यानी ज़्यादातर हम यहाँ पर ऑडियंस को लाने के लिए कैंपेन भी बना सकते हैं। हम ये पर्टिकुलर जो ब्लॉग मैंने बनाया है उसमें नए पेज को भी ऐड करना चाहते हो, एक नया पेज भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही अलग अलग हमें पेजेस नए नए ब्लॉग्स के लिए बनाने हो तो हम यहाँ से बना सकते हैं। अभी ये पेजेस स्टार्टिंग में यहाँ पर दिखेगा नहीं, जैसे कि मैं यहाँ पर रन कर रहा हूँ, बट अभी यहाँ पर सिर्फ एक होम पेज दिख रहा है और यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो मैं ये पेज किस तरीके से वहाँ पर डिस्प्ले कर सकता हूँ, तो मुझे उसके बाद जाना पड़ेगा लेआउट्स में। जैसे ही मैं लेआउट्स में जाऊँगा तो मैं लेआउट्स को यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ, हेडर में भी कुछ चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे एक नया यहाँ पर विजेट्स ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ। मैं आपको एक विजेट्स ऐड करके बताता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कोई पेजेस डिस्प्ले नहीं हो रहे, तो मैं ऐड विजेट्स करूँगा। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हो गए, एडसेंस है, फीचर्ड पोस्ट है, ब्लॉग सर्च है, मुझे हर चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वैसे ही मैं यहाँ पर नीचे आऊँ तो पेज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे मैं पेज ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, आप अंदर चले जाओगे, यहाँ पर आप एक नया टाइटल, पेजेस का टाइटल बना रहे हो, ऑल पेजेस मुझे डिस्प्ले करना है इसके अंदर में सारे पेजेस। तो होम और सेकंड पेज दोनों मुझे वहाँ पर डिस्प्ले करना है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। मैं जैसे ही यहाँ पर सेव करूँगा तो ये पेज एलिमेंट एडेड बता रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पेजेस नाम का विजेट्स बन गया है। मैं जैसे ही यहाँ पर आके रन करूँगा तो मुझे राइट हैंड साइड पे ये चीज़ दिख जाएगी, होम और सेकंड पेज। तो इस तरीके से मैं जो भी पेज बनाया उसको ऐड भी कर सकता हूँ, और पूरे के पूरे जो भी ब्लॉग्स के कंटेंट है उनको यहाँ से कस्टमाइज कर सकता हूँ, और अलग अलग कंटेंट में यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद अगेन आप थीम में जाओ, अगर आप तो आप आपको ये थीम पसंद नहीं आ रही, आपको थीम चेंज करनी है, तो आपको और भी बहुत सारी थीम के ऑप्शन मिलेंगे कैटेगरी वाइज, आप उसको चूज कर सकते हो, या फिर आप अपनी कस्टमाइज थीम को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग्स के ऑप्शन दिखेंगे, अगर आपको ब्लॉग्स के रिलेटेड कोई सेटिंग्स करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और एट द एंड पर सारे मेनूज हमारे कंप्लीट हो रहे हैं, सारे मेनूज हमने देखे, और इस तरीके से हम पूरे ब्लॉग्स को बना सकते हैं और उसको पब्लिश कर सकते हैं। ये मैंने आपको ब्लॉगर के थ्रू बताया कि जो भी हम ये कर रहे हैं वो ब्लॉगर के थ्रू कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी देखो होम पेज पे आ गया, ये मेरे ब्लॉग का होम पेज है। अभी मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई वो ब्लॉगर के थ्रू बताई कि किस तरीके से हम एक ब्लॉग बना सकते हैं। इस ब्लॉग में अभी कोई कंटेंट नहीं है, बट इस ब्लॉग को और रीच आप बना सकते हो इफेक्टिव कंटेंट के जरिए, बिकॉज अभी ये ब्लॉग को कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा, बट जब इसमें एक्चुअली अट्रैक्टिव कंटेंट आएगा तो डेफिनेटली लोग इसको लाइक करेंगे और अपने पर्पस को सॉल्व करेंगे। जो उनको कंटेंट चाहिए वो रिलेवेंट कंटेंट अगर आप दोगे तो लोगों का पर्पस सॉल्व होगा, और लोग बार बार आपके नाम के ब्लॉग को विजिट करेंगे, और उससे आपकी वैल्यूएशन बढ़ेगी, आपकी ब्रांड बनेगी। तो आप ब्लॉग को इस तरीके से पॉपुलर भी बना सकते हो। प्लस यहाँ पर जो ब्लॉग स्पॉट नाम है, अगर वो नाम आपको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अभी मार्केटिंग पर्पस है, तो आपको इस पर्टिकुलर डोमेन को परचेस करना पड़ेगा। जब आप ये डोमेन को परचेस करोगे उसकी एक मिनिमम कॉस्ट होगी पे करोगे, तो ये आप नाम हटा सकते हो वहाँ से। तो इस तरीके से हम ब्लॉगर के अंदर ब्लॉग बना सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम एक और वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग स्टार्टअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको wordpress.com पे जाना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं होम पेज पे आ जाऊँगा wordpress.com के। यहाँ से मैं जैसे ही गेट स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वैसे ही मुझे एक अंदर सब पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ से मैं कितनी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं स्टार्ट विद अ ब्लॉग, स्टार्ट विद अ वेबसाइट, स्टार्ट विद अ ऑनलाइन स्टोर, एंड स्टार्ट विद अ पोर्टफोलियो। ऑलरेडी इसमें से वेबसाइट वाला पार्ट में आपको
प्रीवियस वीडियोस के अंदर दिखा चुका हूँ, ब्लॉक्स पे किस तरीके से जाते हैं। जैसे आप ब्लॉक्स पे क्लिक करोगे तो सेम जैसे वेबसाइट पे कस्टमाइजेशन और वगैरह फैसिलिटी वर्डप्रेस हमें प्रोवाइड करता था, उसी तरीके से हमें ब्लॉक्स के अंदर स्टार्टअप करना है। सबसे पहले हमें एंटर अ नेम, जो हमारा नाम देना है, लर्न वन। तो पर्टिकुलर वर्डप्रेस आपको सजेस्ट करेगा कि आप क्या नाम ले सकते हो, कि learnone.wordpress.com। जैसे अभी ये फ्री है तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और इस पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगेन जैसे वेबसाइट बनाते टाइम पे हमने फ्री ऑप्शन चूज़ किया था, तो आपको स्टार्ट करना है फ्री के साथ। ईमेल आईडी और पासवर्ड दोगे तो सेम वेबसाइट की तरह ही आपका अकाउंट बन जाएगा। आपका जैसे वेबसाइट पब्लिश हो गई थी वैसे आपका ब्लॉग भी पब्लिश हो जाएगा। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, और सेम जैसे ब्लॉगर के अंदर हर वो चीज़ चेंज हो सकती थी, कस्टमाइज हो सकती थी, जैसे थीम लो, मेनू लो, तो हर वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो और बहुत सारी पोस्ट करके अपने यूज़र को अट्रैक्ट कर सकते हो। और अगेन एक कंपेलिंग, अपीलिंग और इफेक्टिव कंटेंट हर ब्लॉग की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें भी जब आप ब्लॉग आगे प्रोसीड करोगे तो आपको वो चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, और इस तरीके से आप अपने ब्लॉग को बहुत ही इफेक्टिव बना पाओगे। सो हमने देखा कि किस तरीके से हम ब्लॉगर और वर्डप्रेस के अंदर अकाउंट सेटिंग कर सकते हैं और ब्लॉग बना सकते हैं। आप दोनों को मैं इक्वल वेटेज दूंगा, दोनों इफेक्टिव ब्लॉग्स बना के देने में कैपेबल है। थोड़ा बहुत थीम्स और वगैरह छोटी मोटी फैसिलिटी का डिफरेंस हो सकता है, थोड़ी बहुत फंक्शनलिटी का डिफरेंस हो सकता है, बट ऑलमोस्ट सब सेम ही है। और आप दोनों में फ्री में ब्लॉग्स बना सकते हो। और अगर आपको वो मार्केटिंग नाम जो वर्डप्रेस या फिर ब्लॉगर है वो हटाना हो, ब्लॉग स्पॉट हटाना हो, तो आपको एक पेमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। जो मिनिमम पेमेंट होगा वो मंथली या ईयरली वो चार्ज करेंगे। जब आप वो पेमेंट करोगे तो वो नाम हटा सकते हो, फिर आप सिर्फ अपने नाम के ब्लॉग को भी पब्लिश कर सकते हो। तो आप अभी ब्लॉगर और वर्डप्रेस पे जाओ और ये ब्लॉग क्रिएट करके प्रैक्टिस करके देखो कि किस तरीके से आप अपने फर्स्ट ब्लॉग को बना सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड किस तरीके से हम ब्लॉग बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा ब्लॉग क्रिएशन, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ईमेल मार्केटिंग।